आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है संजीव कैंथला और आप देख रहे हैं पहाड़वासी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह अभी सुबह के 8 बजे हुए हैं और मैं जा रहा हूँ खेत में। तो आजकल जो है हमारे पहाड़ों में सीजन होता है गड्ढे करने का, क्योंकि जो हमने सेब के नए पौधे प्लांटिंग करनी होती है, नए पौधे लगाने होते हैं, उसके लिए दोस्तों हम गड्ढे करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। आजकल लगातार हमारे जो एक हमें नेपाली मिला हुआ है लेबर वाला, तो वो हमारे लिए गड्ढे कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं जाऊंगा अपने घर से नीचे को। तो अब देखते हैं वहाँ पे किस प्रकार। अभी मैं घर से नीचे को आ गया हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे इस तरह की रास्ता है, हल्की हल्की इसमें जाना है। और जो हमारा एक नेपाली मिला हुआ है लेबर वाला, तो वो मेरे से पहले चला गया है। अभी काफी दिनों से हम जो है गड्ढे कर रहे हैं, तो कुछ पौधे हमने लगा भी लिए हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से गड्ढे करते हैं और उनके लिए निशान लगाने पड़ते हैं कि कहाँ कहाँ गड्ढे करने हैं। उनका जो फिक्स डिस्टेंस होता है, उस प्रकार से गड्ढे करने के लिए निशान लगाने पड़ते हैं। अभी निशान लगाने जा रहा हूँ, तो निशान लगाऊंगा फिर उसको गड्ढे करने को छोड़ दूंगा। आप देख सकते हैं जो ये खेत है ऊपर वाला, यहाँ पर जो खोदा हुआ है इसमें हमने गड्ढे किए, उसमें पौधे भी लगा लिए हैं। और ऊपर वाले जो पौधे हैं ये पहले के बड़े बड़े पौधे हैं। और साथ में नीचे देख सकते हैं आप जो मिट्टी के ढेर नजर आ रहे हैं, वहां पे अभी पिछले कल गड्ढे किए हैं और आपको लेबर वाला भी नजर आ रहा होगा। तो आज जो है इसके जो नीचे वाला छोटा खेत है एक और, उसमें गड्ढे करने हैं, तभी उसमें मेरे को निशान लगाने हैं। तो इधर भी हमने गड्ढे किए हुए हैं, क्योंकि कुछ यहाँ पे बड़े पौधे हैं, कुछ छोटे पौधे हैं। इसके साथ साथ बीच बीच में जो डिस्टेंस ज्यादा था, पहले होता था कि रॉयल लगाते थे 10-10, 15-15 फुट का डिस्टेंस होता था, लेकिन अब जो है डिस्टेंस कम होता है, 6 फुट के डिस्टेंस में अब जो है स्पर की प्लांटिंग हो रही है इस प्रकार से। तो ये देखिए नए जो जमीन है ये खोदी हुई है, काफी टाइम से छोड़ी हुई थी, तो इसमें हमने जो है पौधे लगाए हुए हैं। आपको भी शायद नजर नहीं आ रहे, छोटे छोटे हैं, उससे ऊपर से जो है टॉप कटिंग भी की हुई है। अब मैं वापसी आ गया हूँ घर कोई और अभी हमें घर पे यहाँ पे जो एप्पल का बीज बोना है, जो सेब की नर्सरी होती है उसको बोना है। तो ताकि जो हमने गड्ढे किए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, उसमें अपनी जो पार्टी है नई तैयार हो जाएगी और उसको हम बीज सके। यहाँ पे साथ में ये खेत नजर आ रहा है, यहाँ पर हमने जो है सेब का बीज बोना है। तो अब दिखाते हैं हम किस प्रकार से बीज बोते हैं आपको, पहाड़ों में किस प्रकार से सेब गाया जाता है। सेब का बीज बोना इतना भी आसान नहीं होता जितना आप लोग समझ रहे होंगे। का बीज सबसे पहले तो 40 दिन के लिए जर्मिनेशन के लिए रखना पड़ता है। उसके बाद जब इसमें छोटे छोटे अंकुर निकल जाते हैं, फिर आपको खेतों में बेड बनाने पड़ते हैं खोद के। फिर बेड बनाने के बाद उसमें लाइनें देनी पड़ती है, लाइनों में एक एक करके दाना छोड़ा जाता है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं लाइनें इसमें दी हुई है, और मैं जो है बेड को लाइनों को बंद कर रहा हूँ, और पापा देख सकते हैं आप जो है एक एक दाना जो है बीज का जो है मिट्टी में डाल रहे हैं, और किस प्रकार से इसमें कितनी मेहनत होती है। और जब बुआई कर लेते हैं, तो बुआई करने के बाद आप देख सकते हैं बेड के ऊपर जो है जो आपके कायल के पेड़ होते हैं उसके जो पत्ते होते हैं वो डालने पड़ते हैं, ताकि ज़ोरदार बारिश होगी उससे बीज ऊपर ना आए और चिड़िया जो है बीज को चुन ना ले, खा ले, तो फिर उसके बाद फिर खेतों में क्या बचेगा, फिर तो पूरा खेत खाली हो जाएगा। इसलिए इसके ऊपर जो है कायल के पेड़ के पत्ते डालने पड़ते हैं।
ये देखिए यहाँ पे कितने बेड मैंने बनाए हुए हैं। आज दिन भर की मेहनत जो है पूरी मैंने दिन बेड को बनाने में लगी है। तो इसको हम अब बुआई कर रहे हैं, लास्ट जो है एंड काम हो रहा है। अब देखिए आप एक एक दाना किस प्रकार से जो है डालना पड़ता है लाइनों में, ताकि लाइन से बाहर ना जाए, ऊपर ना रहे, ताकि चिड़िया ना खा सके। फिर इस लाइन को बंद करना पड़ता है। इस प्रकार से लगातार काम रहता है। तो आप देख सकते हैं हमारे सेब के बीज की बुआई है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेड बनाए हुए हैं। अभी आज दिन भर यही काम किया है। तो आप देख सकते हैं ऊपर तक जितने आपको बेड नजर आ रहे हैं, ये सब जो है सेब की बीज इसमें भीजा हुआ है। पहले ये 40 दिन के लिए जर्मिनेशन के लिए डाला हुआ था। जब इसमें थोड़े अंकुर निकल गए तो उसके बाद जो है आज हमने ये बीज सारा बो दिया है। आप देख सकते हैं तकरीबन 9 बेड हमने बनाए हैं छोटे छोटे, और लास्ट में फिर हमने 2 बेड यहाँ पे बनाए हैं। ये छोटे छोटे बेड हैं। तो हमारा आज का जो सेब की बुआई का था वो कंप्लीट हो चुका है काम। तो अब मैं अभी घर जा रहा हूँ। तो ये सामने मेरा घर है, आपको पता है। अभी मैं घर जा रहा हूँ। अब एक दिन में अगर बारिश हो जाती है तो ये बीज जल्दी जमेगा। तो देखते हैं कितने टाइम में बारिश होती है। अभी मैं घर जा रहा हूँ, फिर मैंने जाना है गांव में, एक टीवी ठीक करना है। उसके बाद आपसे मिलते हैं।